दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम स्टडी की लाइव क्लास शाम 6 बजे। ये क्लास आप डेली देख पाते हैं शाम को 6 बजे और 7:30 बजे। यूपी टेट, स्टेट टेट, किसी भी राज्य से अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, बाल विकास टॉपिक वाइज की क्वेश्चन जैसा कि हम आपको करा रहे थे, और बीच बीच में हम आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराते रहेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी। तो बिल्कुल परेशान ना हो, बाल विकास और अदर सब्जेक्ट्स की कुछ कुछ तैयारी आपको मिलेगी। कंप्लीट तो नहीं कहेंगे लेकिन हम अपना 100% देने का प्रयास करेंगे आपके लिए, और सुपर टेट के लिए भी क्लासेज शुरू होंगी बहुत ही जल्द। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। आज का हमारा टॉपिक होगा वंशानुक्रम और वातावरण। इससे प्रश्न हर बार, ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं हुआ जिसमें प्रश्न ना पूछा गया हो, तो शुरुआत से अंत तक देखें वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, और हाँ इसके पहले जो क्लासेज हुई हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दी गई है। पहला चैप्टर हमने आपको विकास पढ़ाया था, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास के आयाम क्या है, सारे टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप अभी भी चैनल से जुड़े हैं तो वो सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे, वंशानुक्रम से अभिप्राय क्या है। पहला ऑप्शन, शक्तियाँ, दोष व गुण जो गर्भाधान के समय नींव कोष को मिलते हैं, वे क्षमताएँ जो बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है, या फिर इसमें शारीरिक व मानसिक शक्तियाँ आती हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि वंशानुक्रम का मतलब क्या है, ये तीनों बातें सही हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, वंशानुक्रम में क्या होगा, शक्तियाँ, दोष, गुण जो गर्भाधान के समय नींव कोष को मिलते हैं वो क्या है, वंशानुक्रम है। और वंशानुक्रम से क्या है, क्षमताएँ जो है बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है, और शारीरिक व मानसिक शक्तियाँ भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वंशानुगतता का निर्धारण होता है जीन्स के द्वारा, क्रोमोसोम्स के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, तो वंशानुगतता का निर्धारण किसके द्वारा होता है, जीन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। थ्योरी वाले कोर्सेज देखने के लिए आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे थ्योरी के कोर्सेज लाइव हैं, फ्री कोर्स हैं, देख सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा उसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, गॉल्टन, वीजमैन, मेंडल, या फिर सोरेनन। क्वेश्चन नंबर है 3 आपके सामने, वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 3। तो सही जवाब होगा यहाँ पे मेंडल। क्या नाम है उनका, मेंडल। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन है यहाँ पे वंशानुक्रम, वातावरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण को क्या कहेंगे। प्रश्न संख्या 4 सही जवाब मिलेगा यहाँ पे, वंशानुक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, वंशानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण, गत्यात्मक, स्थिर, या फिर प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 5, आनुवंशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना आप मानेंगे। प्रश्न संख्या 5, तो स्थिर आंसर क्या आएगा, स्थिर सामाजिक संरचना है आनुवंशिकता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बुद्धि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, वातावरण, आनुवंशिकता, उपर्युक्त दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 सही जवाब मिलेगा आपको इसका, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वातावरण और आनुवंशिकता दोनों ही प्रभावित करती है बुद्धि का, तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वंशक्रम संबंधी नियम कौन सा, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये सारे ही नियम है, समानता का नियम भी लागू होता है, विभिन्नता का नियम भी, और प्रत्यागमन का नियम। तो आंसर क्या आएगा इसका, चौथा विकल्प, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, या फिर होमियोस्टेटिस। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पे, क्या कहेंगे हम, आनुवंशिकता। टॉपिक हमारा यही है,
अनुवंशिकता और पर्यावरण, ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी मिलेंगे। परेशान ना हो, लेकिन आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे नए स्टूडेंट्स भी इस क्लास का लाभ ले पाए। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय में भूमिका है, या फिर आकर्षक भूमिका है। क्वेश्चन पूछे गए हैं वही यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, और जो पूछे जाने की संभावना है वो भी आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है या फिर नाम मात्र, बताइए। प्रश्न संख्या 9, तो इसका आंसर आपको कई सारी बुक्स में अलग अलग मिल सकता है। अगर हम अपने विचार की बात करें तो यहाँ पे आएगा आंसर महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, कई सारी बुक्स में इसका आंसर नाम मात्र देखने को मिलता है, तो आप इसको देख लें अपने स्तर से जो आपको उचित लगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं, निर्भर हैं, पूरक हैं, या फिर सहयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर दस बताइए, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर, प्रश्न संख्या 10। एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो तीसरा ऑप्शन इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार से हैं, आपको बताना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीनों सही हैं, मतलब तीसरा सही या फिर ये तीनों सही हैं। तो बिल्कुल सही बात कही जा रही थी। एक बार प्रश्न हम आपको फिर से दिखा दें या फिर ओरली बता दें। कहा जा रहा था कि आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर पूरक है, निर्भर है, सहयोगी है। तो तीनों बातें हैं भाई, पूरक भी हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और सहयोगी भी हैं। इस हिसाब से जब तीनों ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन नहीं होते तब आप क्या कहते, पूरक है, तब निर्भर उतना अच्छा ऑप्शन नहीं होता। जब यहाँ पे लिखा है ये सभी है, तो आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, पूरक भी है, सहयोगी भी है और निर्भर भी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण का संबंध है, वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे के विरोधी हैं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए, वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, वातावरण नहीं, जरूरी है दोनों चीजें। जीवन वंशानुक्रम व वातावरण का योग है, या फिर समस्त दोषों का कारण वातावरण है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सबसे अच्छा इस संबंध को बताता है वंशानुक्रम और वातावरण के, तो जीवन वंशानुक्रम और वातावरण का योग है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वातावरण कारक दोनों जरूरी है, वंशानुक्रम का भी योगदान है और वातावरण का भी विकास में। तो यहाँ पे हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, जीवन वंशानुक्रम और वातावरण का योग है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाई जाती है शारीरिक विभिन्नता, शैक्षिक विभिन्नता, आचरण की विभिन्नता, या फिर संपन्नता की विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पे, आंसर क्या होगा। बहुत बहुत स्वागत है सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार। जितने भी लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका। बताइए जी, बिल्कुल क्लासेस मिलेंगी आपको और भी क्लासेस मिलेंगी, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 12, शारीरिक विभिन्नता, ठीक है, बालकों में वंशानुक्रम के कारण क्या होगा, शारीरिक, शरीर में विभिन्नता होगी। देखा होगा आपने कि जो गार्जियंस हैं उनके बच्चे जो हैं, वंशानुक्रम का उन पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो शारीरिक प्रभाव पड़ेगा। शैक्षिक विभिन्नता की कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें कोई प्रभाव उतना नहीं पड़ता। संपन्न, कोई जरूरी नहीं कि किसी के माता पिता बहुत ही गरीब हों तो उसका बच्चा भी गरीब रहे, ठीक है। तो मेन जो प्रभाव किस पे पड़ता है सबसे ज़्यादा, शारीरिक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं प्रोटीन, विटामिन, जीन्स, या फिर कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 13, आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं, प्रश्न संख्या 13। बहुत बढ़िया, आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे और क्लासेज मिलेंगी और हमें भी अच्छा लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक तो आपने कर दिया है, संख्या लगभग 300 से 400 लोग देखते हैं लाइव में, तो उसको आप मेंटेन रखें। क्लासेज की क्वालिटी में कोई समझौता हम नहीं करेंगे, और कोई भी आपको स्पेशल ग्रुप जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, फ्री PDFs मिलेंगे, और PDF के सहारे ना रहें, खुद के नोट्स बनाएं, वो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो सही जवाब यहाँ पे जितने लोगों ने दिया है थर्ड ऑप्शन जीन्स, बिल्कुल सही है। आनुवंशिकता के मूल संवाहक किसको मानेंगे आप, जीन्स को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव,
चरित्र पर प्रभाव या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। प्रश्न संख्या 14, तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। ये सारे प्रभाव जो है वंशानुक्रम के कारण पड़ते हैं, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है, चरित्र पर भी पड़ता है, शारीरिक लक्षणों पर भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर केवल वातावरण का। तो प्रश्न संख्या 15 आंसर आपका गलत नहीं होगा इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आंसर क्या आएगा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है मानव का व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, स्पीड सही है ना। मैथ्स की भी क्लासेज मिलेंगी 1 अगस्त से, ठीक है, लाइव बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्यक्तित्व विकास में बहस एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, या फिर परीक्षाओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सही जवाब, जितने भी लोग थर्ड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व्यक्तित्व के विकास में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रश्न संख्या 17, बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक क्या है, पर्यावरण, वंशानुक्रम, समाज, जाति धर्म। पता आपको सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ऑप्शन किस तरीके से आएंगे और कैसे आप उसका उत्तर सही उत्तर निकालेंगे, ये मैटर करता है। तो ये तभी आपको आ पाएगा जब आप क्वेश्चंस की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब क्या होगा, वंशानुक्रम, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है, आंखों का रोग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, या फिर चिंतन पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18 पूछा जा रहा है, कौन सा कारक ऐसा जो है मुख्य रूप से आनुवंशिकता से जिसका संबंध है। तो प्रश्न संख्या 18 सही जवाब होगा यहाँ पे, आंखों का रंग, पहला ही ऑप्शन सही होगा, जिसका संबंध डायरेक्टली किससे होगा, आनुवंशिकता से। आपने देखा होगा कई सारे लोगों की आंखें भूरी होती हैं, क्यों, क्योंकि उनके मतलब आनुवंशिकता, उनके मम्मी पापा या दादी बाबा की आंखें भी भूरी रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, जरूर शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, या फिर शारीरिक गठन। के अतिरिक्त मतलब इसके अलावा बाकी के जो सभी वातावरणीय कारक हैं वो विकास को आकार देते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसका संबंध जो वातावरणीय कारक विकास को आकार नहीं देता। तो क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा आप लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का चौथा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल स्वागत है भाई सभी का, कविता दुबे, निशि मिश्रा, मनोज गुप्ता, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वरना फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो 19 का चौथा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बिल्कुल नीति शर्मा, अनुराग केशरी, उपासना मालवी, हेमा सिंह, सपना कनौजिया, अनीता पांडे, बहुत बहुत स्वागत। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पे, वाह वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, या फिर उपर्युक्त सभी। कौन सी परिस्थिति आती है बाह्य वातावरण के अंतर्गत, तो क्वेश्चन नंबर 20 ये सारी परिस्थितियां आएंगी, सामाजिक और भौतिक और सांस्कृतिक, तो इसलिए इसका चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पिछड़ेपन का कारण नहीं है शारीरिक, स्वभाव संबंधी, वंशानुक्रम, या फिर राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 21 पिछड़ेपन का कारण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 21, तो पहला ऑप्शन है शारीरिक, स्वभाव संबंधी, आंसर आना स्टार्ट होगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 21, राजनीतिक जो कारण है ये पिछड़ेपन का कारण नहीं होगा, बल्कि शारीरिक हो सकता है, वंशानुक्रम की वजह से आप पिछड़े हो सकते हैं, स्वभाव के कारण भी हो सकता है, लेकिन राजनीतिक कारण जो है ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पिछड़ेपन का मूल कारक कौन सा है, वंशानुक्रम, वातावरण, उपर्युक्त दोनों, यानी वंशानुक्रम वातावरण दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 22 से ही जवाब मिलेगा यहाँ पे आपको, वंशानुक्रम और वातावरण, यानी ए और बी दोनों, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, लास्ट में आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कितना कुछ नया सीखा। और थ्योरी वाले कोर्सेज देखने के लिए आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो करें, लिंक नीचे आपको दिया जा रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव चैट में भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कहा जा रहा है विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 23 का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ये सभी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर काफी दिखने में कमजोर है, ठीक है, क्या है? कोई छात्र है, उसकी जो छात्र है उसकी बुद्धि जो है बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से कमजोर है। आप उसके माता पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफी कमजोर है, तो आपके हिसाब से इसका कारण क्या होगा? पौष्टिक भोजन का अभाव, पिछले कई वर्षों की बीमारी, आनुवंशिकता का प्रभाव, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब बुद्धि तो ठीक ठाक है लेकिन शरीर कमजोर है, तो ये किस रीजन से होगा? प्रश्न संख्या 24, तो ये आनुवंशिकता का भी प्रभाव हो सकता है या फिर पौष्टिक भोजन का अभाव, क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 24, तो ये आनुवंशिकता का प्रभाव होगा, ठीक है। 24 का थर्ड देखा होगा आपने, आपने कई सारे लोग ऐसे होते हैं कितना भी खा पी लें, आप में से ही कई सारे लोग होंगे कितना भी खा पी लें लेकिन उनके शरीर में नहीं लगता है, तो क्या है? आनुवंशिकता के कारण है। शरीर जैसा, जैसे आपके मम्मी पापा या आपके दादी बाबा रहे हैं वैसा ही आपका भी, मतलब जो भी है बॉडी है स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है, कितना भी आप हेल्दी चीज़ें खा लें, कसरत कर लें, योगा कर लें, लेकिन ये सभी पे फॉलो नहीं होता है, ठीक है। ऐसा मानना है मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो वही हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं किसका होगा, आनुवंशिकता का प्रभाव होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? पहला ऑप्शन, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। पीटना तो बिल्कुल गलत होगा, तो सेकंड ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि इसमें कहा जा रहा छात्र को रोज पीटेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। स्कूल से नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से नहीं कहेंगे आप, तो 25 का दूसरा ऑप्शन भी नहीं, सॉरी तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर बचा क्या आपका? इलाज के लिए आप या तो मनोचिकित्सक के पास ले जाएं या फिर आप मार्गदर्शन करें वंशानुक्रम वातावरण का पता लगा करके। तो इन चारों ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन। सबसे पहले आप क्या करें, बैकग्राउंड जानें, उसका वंशानुक्रम और वातावरण का पता लगाएं और फिर उसका मार्गदर्शन करें कि उसके बच्चे के लिए क्या सबसे अच्छा तरीका होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण, केवल फर्स्ट या फिर फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, या फिर केवल दो, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करें आप लोग। 26 का यहाँ पे बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं दूसरा विकल्प, यानी इसके हिसाब से वंशानुक्रम और वातावरण। देखिए आपको क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे क्योंकि आपने काफ़ी कुछ पढ़ चुका है। जो लोग पहली बार यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हैं, स्टेट टेट की अभी एलिजिबल हुए, जिनका अभी भी बीएड बीटीसी कंप्लीट हुआ है, उनको इन चीज़ों को थोड़ा सा मौका चाहिए समझने के लिए कि प्रश्न कैसे आते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। तो उन तक ये वीडियो को पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो ऑटोमेटिक जो कैंडिडेट्स टेट की तैयारी कर रहे हैं यूट्यूब यूज करते हैं तो उनके न्यूज़ फीड में दिखाता है। तो लाइक करने का यही एक फ़ायदा होता है कि ऑटोमेटिक, जैसे आप लोग में से जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी ने शेयर किया हो तब भी आप हमारे चैनल से जुड़े हों या फिर सर्च किया हो। कभी आप यूट्यूब खोले होंगे और आपका हमारा वीडियो ऊपर दिखा होगा, आपने क्लिक किया होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपने सब्सक्राइब किया, फिर आप क्लास ज्वाइन करते हैं। तो यही फ़ायदा होता है लाइक का, जितना ज़्यादा लाइक होता है उतना यूट्यूब सपोर्ट करता है अदर स्टूडेंट्स को वीडियो पहुँचाने में। क्वेश्चन नंबर 27 पे अगर बात आपको खराब लगी हो तो सॉरी नहीं बोलेंगे, इतना तो हाँ कहना बीच बीच में बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपने पढ़ लिया, आंसर भी आप यहाँ पे दे रहे होंगे। प्रश्न संख्या 27 का यहाँ पे क्या आंसर होगा? सत्य कथन आपसे पूछ रहा है। समवयस्कों और पितरय का सापेक्ष योगदान नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28। आप दिल्ली के किसी विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं, आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है, आप दोनों के रंग रूप स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं हैं,
इसका प्रमुख कारण क्या है? आंसर करिए, बता दें। ये जैसे ही वीडियो खत्म होगा उसके बाद में आपको तुरंत जो प्रीवियस क्लासेज हुई हैं उनका लिंक आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, तो वो आप पूरा वीडियो उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ये वातावरणीय प्रभाव, इसका प्रमुख कारण क्या है? वातावरण का प्रभाव है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा और आप आंसर कर रहे हो उपरोक्त सभी, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए तब आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, या फिर केवल फर्स्ट एक और दूसरा मतलब पहला दूसरा दोनों विकल्प, या फिर पहला तीसरा, या फिर ये सभी। तो प्रश्न संख्या 29 का यहाँ पे आंसर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, 29 बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा? चौथा विकल्प, बिल्कुल सही, ये सभी बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 30 इस लाइव क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, पूरा देख लीजिएगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे ये कह रहा है कि आजकल जो है बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं, आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30, विनी श्रीवास्तव, सोमी श्रीवास्तव, सृष्टि ओझा, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास ये पसंद आ रही होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा? चौथा विकल्प। तो इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, इसका पार्ट 2 जल्द ही लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 31 से आगे के क्वेश्चंस को हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो प्रीवियस क्लासेज हुई उनका लिंक दिया जा रहा है, क्लिक करें और देखें। थैंक यू।